हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा, रसोई मामी की, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पालक की पूड़ी बनाएंगे। सर्दी का मौसम आ गया है तो ये क्रिस्पी पूड़ी जो आपको बहुत टेस्टी लगेगी, गरम गरम आप सुबह नाश्ते में या कभी भी, आप शाम को इवनिंग में कभी भी बनाइए और खाइए। ये मैंने पालक लिया है, इसके लिए पालक लेके इसे बॉईल कर दिया है, करीब एक दो मिनट ही बॉईल करके और फिर उसे मिक्सी में मैश कर दिया। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी हरी मिर्च चाहिए आप उसमें डालिए। तो इसे मैंने मैश कर दिया है एक दो मिनट बॉईल करके। ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया है इसे, और इसके लिए देखिए और सामग्री क्या क्या लिए मैंने। ये मैंने लिया है करीब एक बॉल के करीब आटा लिया है, और ये सूजी है, सूजी आधी बॉल के करीब है, और ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और ये मिर्च है, लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये देसी घी है, इसे मैंने करीब डेढ़ छोटी चम्मच लिया है। तो इन सबको मिला के हम अभी एक आटा गूंदेंगे। इसमें ही मैं पालक जो मैश किया है मैंने वो मैं डालूंगी और मैं एक डो बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मिला के पालक और ये सारा आटे की जो सामग्री मैंने आपको बताई थी ये मिला के हमने एक ये डो बना लिया है। ये थोड़ा सा टाइट है, उससे क्या होगी कि पूरी क्रिस्पी बनेगी। थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, एकदम रोटी जैसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये डो बना के अभी मैंने गैस ऑन कर दी है, ये देखिए गैस ऑन कर दी है, और इसके अंदर मैं अब ये फ्लेम थोड़ी लो कर देती हूँ और अब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। ये मैंने डो बना के रख लिया था, इसको थोड़ा सा इस तरीके से और गूंद लेंगे। उसको गूंदने से क्या लोई भी अच्छी बनेगी अपने। इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इस तरह से गोल गोल करके, इस तरह से गोल करके इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस कर दी, इस तरह से करके फिर प्रेस कर देंगे, गोल करके और प्रेस कर देंगे। ये छोटी छोटी लोइयां बना के मैं इस तरीके से रखती जाऊंगी। ये आटा मैंने थोड़ा ही गूंदा है क्योंकि अभी हम दो जने ही हैं घर में, इसलिए आप अपने मेंबर्स के हिसाब से आप आटे का और सूजी का यही प्रपोर्शन लीजिए तो बहुत क्रिस्पी पूरी बनेगी और सबको टेस्टी भी लगेगी। ये देखिए अभी हम थोड़ा सा तेल लगा के और थोड़ा सा तेल फ्लैट पे लगा लेती हूँ और लगा के इसको इस तरीके से पूड़ी बनाएंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और थोड़ी सी इसको मोटी बनाने पड़ेगी। थोड़ी सी आप मोटी बनाइए। इस तरह से जब फिर प्रेस कर लीजिए और थोड़ी सी मोटी बनाइए। फिर थोड़ा सा ऑयल सरफेस पे लगा लीजिए।
ये तेल गरम होने वाला है हमारा, बस थोड़ी सी मोटी बनाई है मैंने ताकि ना अच्छी तरह से फूल जाएगी। ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा आटा इस तरह से डाल के देखेंगे कि ये ऑयल हो गया है या नहीं। अब ये देखिए हमारा आटा ऊपर आ गया है, थोड़ी सी लो मीडियम रखेंगे फ्लेम, थोड़ी लो मीडियम रखेंगे क्योंकि जैसे ही हम पूरी डालेंगे तो वो तेल ठंडा हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा वैसे तेज कर दिया है क्योंकि थोड़ा ठंडा था तेल। ये ऑयल अब गर्म हो गया है फ्रेंड्स, ये पूरी बना ली है मैंने। तो एक पूरी डाल के देख लेते हैं, डाल दी फिर धीरे कर दिया थोड़ा सा, नहीं तो ये ज्यादा ब्राउन हो जाएगी। फिर ये दूसरी पूरी डाल देते हैं, एक पूरी डालने के बाद ही आप दूसरी पूरी डालिए वरना ये चिपक जाएगी। इसको उलट दीजिए, फिर एक और पूरी डालिए इस तरीके से। ये हरी पूरियां आपको बहुत अच्छी लगेगी, टेस्ट में भी क्रिस्पी है और दिखने में भी लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगेगी, सब बच्चे और बड़े सब लोग इसे पसंद करेंगे। फिर आप पूरी डालते जाइए और इस तरीके से आप नैपकिन पेपर पे निकालते जाइए। इस तरीके से नैपकिन पेपर पे निकाल लीजिए, धीरे कर दीजिए। हल्की ब्राउन ही करिए आप तो क्रिस्पी भी लगेगी, ज्यादा जलाइए नहीं। ये गैस धीरे कर दी है मैंने, अभी मैं दूसरी पूड़ियां बनाऊंगी पर वो डालूंगी। पहले ये वाली पूरी देख लीजिए, अभी ऑयल में नहीं डालेंगे, ये क्रिस्पी हो जाए तभी दूसरी डालेंगे। गैस धीरे करती है तो गैस बिल्कुल धीरे हो गई है, इसलिए जब तक मैं पूरी दूसरी बेल लूंगी। इन पूड़ियों को आप हरी चटनी के साथ, कोई भी सॉस के साथ, कोई भी सब्जी के साथ, चाहे आलू टमाटर मटर की हो या कोई भी सब्जी के साथ खाइए, ये मस्त लगेगी। आप इसे पिकनिक में भी ले जा सकते हैं, सफर में ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं,
सुबह नाश्ते में तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए हमारी पूड़ी हो गई है। सर्विंग प्लेट में मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी पूरी कितनी अच्छी बनी है। इसे मैंने दही की, ये मैंने धनिया की चटनी बनाई है, देखिए इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। ये पूरी आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं और नाश्ते में भी, कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप वैसे भी दे सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी ये पालक की पूरी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।